हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मी टीवी एक्स को कंपेयर करने वाला हूँ रियलमी स्मार्ट टीवी 4K के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ इन टीवीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं। और अगर आप एक टीवी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, ताकि आपको इन दोनों टीवीज में जो है वो डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज़ जो है वो पता चल सके। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं मी टीवी 5X से, जो रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च किया गया है। सो इसमें पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4K डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, ट्रूली बेजललेस डिज़ाइन मिलता है, 53 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच का जो है आपको सपोर्ट मिलता है, तीन साइजेस मिल जाता है आपको। और वहीं अगर आप रियल मी स्मार्ट टीवी 4K में देखते हैं तो यहाँ पे आपको बेजललेस प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है, और इसमें आपको दो साइज मिलता है, 43 इंच एंड 50 इंच। और यहाँ पे आपको मी टीवी 5X में 96.6% जो है आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी 4K में 97.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। दोनों ही में आपको 4K अल्ट्रा HD का सपोर्ट मिलता है, और सेम रिजोल्यूशन भी है, 3840x2160 का पिक्सल्स का आपको दोनों ही में मिल जाता है। यहाँ पे आपको मी टीवी 5X में 94% DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी 4K में 90% DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है। यहाँ पे आपको मी टीवी 5X में 10-bit कलर डेप्थ मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी 4K में 83% NTSC मिलता है। यहाँ पे आपको मी टीवी 5X में HDR 10 प्लस एंड डॉल्वी विजन का सपोर्ट मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी में डॉल्वी विजन जो है वो इंक्लूड किया गया है, HDR 10 प्लस जो है वो यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया है। मी टीवी 5X में आपको विविड कलर पिक्चर इंजन 2 मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी 4K में क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन मिलता है। मी टीवी 5X में आपको रियलिटी फ्लो और MEMC का जो है आपको सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको जो रियल मी स्मार्ट टीवी है इसमें आपको डिनोट नहीं किया गया, यहाँ पे आपको नहीं दिया गया ये फीचर। और मी टीवी 5X में आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस मिलता है, और रियल मी स्मार्ट में आपको जो है वो ये भी नहीं दिया गया है। और मी टीवी 5X में आपको फोटो इलेक्ट्रिकल सेंसर मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी में ये चीज़ जो है आपको डिनोट नहीं किया गया, नहीं दिया गया है। मी टीवी 5X में आपको जो है वो 64-bit का क्वाड कोर कॉर्टेक्स A55 का चिप मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी में आपको 64-bit का क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 चिप मिलता है। यहाँ पे आपको मी टीवी 5X जो है इसमें आपको 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी में ये चीज़ जो है वो डिनोट नहीं किया गया है। मी टीवी 5X में आपको पैच वॉल UI बेस्ड मिलता है, और रियल मी स्मार्ट टीवी में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिल जाता है। दोनों ही में आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलता है, इवन मी टीवी 5X में आपको IMDb का इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, और ये चीज़ जो है आपको रियल मी स्मार्ट टीवी में नहीं मिलता है। दोनों ही में आपको जो है वो गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। स्पीकर्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मी टीवी 5X में 40 वॉट के जो आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, टोटल 4 या 8 स्पीकर्स दिए गए हैं। वहीं आपको रियल मी स्मार्ट टीवी में आपको जो वो 24 वॉट का स्पीकर मिलता है, स्टूडियो स्पीकर मिलता है। दोनों ही में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पोर्ट्स पे आते हैं तो दोनों ही में बिल्कुल सेम पोर्ट्स मिलते हैं, 3 HDMI, 1 ARC और 3 USB, ये सब का आपको जो है वो सपोर्ट मिल जाता है। पूरे पोर्ट्स जो दोनों ही में दिए जाते हैं वो मिल गए हैं। ब्लूटूथ वाईफाई भी बिल्कुल सेम है दोनों में, ब्लूटूथ 5.0 एंड वाईफाई जो है वो डुअल बैंड 2.4 GHz एंड 5 GHz का सपोर्ट दोनों ही में मिल जाता है। प्राइस में आपको 1000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलता है। मी टीवी 5X का 43 इंच का प्राइस है 31,999 रुपीज़, एंड रियल मी स्मार्ट टीवी 4K का प्राइस है 43 इंच का 30,999 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे इन दोनों टीवीज़ को अगर कंपेयर किया जाए मी टीवी 5X एंड रियल मी स्मार्ट टीवी 4K से, तो यहाँ पे मुझे अगर परचेस करना हो तो मैं जो है वो मी टीवी 5X के साथ जाऊँगा, क्योंकि इसमें आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। HDR 10 का सपोर्ट, कलर पिक्चर इंजन, बहुत कुछ जो है वो आपको मी टीवी 5X में देखने को मिलता है। तो इसका जो है वो टीवी का पिक्चर क्वालिटी और डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, और इवन यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी जो है वो 40 वॉट के मिलते हैं। तो कोई भी टीवीज में
कोई भी टीवीज मार्केट में आते हैं उसमें आपको दो चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा रहता है, जो दो मेन फीचर जो है वो उसी पे लोग जो वो फोकस करते हैं, वो है इसका डिस्प्ले और दूसरा साउंड क्वालिटी। यही दो चीज़ पे जो वो टीवीज जो है वो बिकती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ जो है वो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में चला जाता है मी टीवी 5X में। तो आप जो है वो या मुझे जो है वो परचेज करना हो तो मैं मी को ही जो है परचेज करूँगा। इवन 1000 रुपीज़ यहाँ पे कम भी आपको मिलेगा। इवन आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़े वो भी आपको यहाँ पे वर्थ इट लगेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।